का सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की देख लीजिए, एक से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चन का लगातार आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ आंसर की बताएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम दिए हैं तो भी आंसर की देख लीजिए। अभी मंत्री से सिपाही 27 फरवरी से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया गया और दरोगा एग्जाम से भी रिपीट किया गया, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन रहता है तो उसे जरूर देख लीजिए और उसको आपको अच्छे से कम्प्लीट कर लेना। बिहार पुलिस की जो भर्ती आएगी उसमें भी आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो साथ में बनाते भी चलिए कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आंसर की मिला करके कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में, इसका पूरा नाम जो है पालपुर कुनो वन जीव अभ्यारण्य। तो पालपुर कुनो वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिला में है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से संबंधित है, क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। अब इसको बनाना कैसे है तो आप समझ लीजिए, वृत्त का परिमाप बराबर परिधि बराबर जो सूत्र होता है 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr2। अब यहाँ पर एक आएगा कि दो आएगा, इसमें आप लोगों को डॉट होगा तो दो आएगा यहाँ पर। कैसे आएगा तो जैसे परिधि का 2πr होता है तो यहाँ पर आप मान रख करके देखिए दोनों सेम आना चाहिए, 2 × π × 2 हो गया, कितना आया यहाँ पर 4π आया। इसी तरह क्षेत्रफल का देखिए गया तो πr² होता है, तो π × 2 × 2 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 4π आ गया। देखिएगा दोनों में सेम आ गया था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट यानी 2 इकाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना था ऑप्शन से। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जो सूत्र होता है F बराबर होता है जी, इस सूत्र को आप याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा जी m1 × m2, m1 यहाँ पर द्रव्यमान है, m1 × m2 बट्टा यहाँ पर r² होता है, और r² जो है बट्टा में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। और यहाँ पर कई बार क्या किया जाता है कि शॉर्ट में इसी तरह से पूछ दिया जाता है कि द्रव्यमान समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान आप देखिएगा समानुपाती है, सीधा गुना है, और यहाँ पर दूरी r जो है यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, 1/ में आ गया तो 1/r² इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन 1/r². इसी तरह आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताएंगे, जिससे आप लोगों को डॉट ना रहे और साथ में यहाँ से आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा आगामी एग्जाम। लग रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, यह क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहाँ पर एक कूलर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से रिलेटेड दो क्वेश्चन, आगे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर अंकित मूल्य है 4200, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है तो छूट आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है तो 4200, और बेच कितना में रहा है तो 3696 में से, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 504 आएगा। अब छूट कितना दिया गया, 504 रुपये, और कितना पर दिया गया तो 4200 रुपये पर दिया गया। यही डाउट होगा कि बट्टा में क्या रखना है, 3696 या 4200, तो 4200 रखना है क्योंकि अंकित मूल्य डिसाइड करके रखा गया 4200, इसलिए बट्टा में यहाँ पर 4200 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 12 आ जाएगा इसका आंसर, 504 है और 12 में गुना कीजिएगा तो 4200 आ जाता है, तो 12% इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को बनाना था, अंकित मूल और जितना पर बेच रहा है उसमें से घटा दीजिए, और यही छूट हो गया 504 रुपये, और इसको आप प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो पूरक कोणों का योग है। अभी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कशन किए थे तो उसमें आप लोगों को बताया थी कि दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, दो समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर यही चीज पूछ दिया गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूरक कोण से रिलेटेड था कि दो पूरक कोणों का योग होता है तो दोनों कोण किस प्रकार से होता होगा, तो न्यून कोण ही होगा। अगला यहाँ पर है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये इससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो रही है मीरा कुमार, सही आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम महिला समय 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी से संबंधित है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, इसे जो कहा जाता है प्लेनेरिया, यह प्लेनेरिया कैटेगरी के जीव है, प्लेनेरिया कैटेगरी संबंध जो भी जीव है इसको अगर आप टुकड़ा में भी काट दीजिएगा तो फिर से यहाँ पर नया निर्माण कर
लेता है शरीर का। अगला साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। विश्व इतिहास से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला यहाँ पर है, आपको बताना है क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सर्वनाम पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वेव यहाँ पर दिया हुआ है, वेव का जो अर्थ होता है त्याग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू गिव अप यानी छोड़ना। टू गिव अप का अर्थ होता है छोड़ना। अब चलिए अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये इससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाया जाता है असम राज्य में, और हूबहू यहाँ पर ऑप्शन भी सेम ही रखा गया है। अगला है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो सबसे कम समय के जो पद पर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु जो है कार्यकाल में ही हो गया था जब राष्ट्रपति थे उसी समय। और नीलम संदीप रेड्डी यानी संदीप रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कोई भी विरोध यहाँ पर नहीं हुआ था, निर्विरोध चुने गए हैं। दरोगा एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला यहाँ पर है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जयंती से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, आगे संविधान दिवस से रिलेटेड पूछा गया है। अब 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित है, तो इसमें आपको बताने खाली स्थान में यहाँ पर हो जाएगा, दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। चलिए अगला क्वेश्चन, अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अवेन्यू जो कला केंद्र रहा है इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो वह है, इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए आयत, आयत लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। और ये पतंग डार्ट ये सब नहीं होगा, डार्ट क्या होता है? तो ये भी पतंग का ही टाइप होता है, पतंग का जो शेप होता है उसी शेप में यह भी होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिस रूल इज अप्लीकेबल ऑल ऑफ अस, तो इसका क्या आंसर होगा? तो 20 नंबर का जो हो जाएगा टू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल दिवस से समय, टोटल 3 क्वेश्चन हो गया, एक अम्बेडकर जयंती, एक स्वास्थ्य दिवस और आगे एक और क्वेश्चन है संविधान दिवस। अगला, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचारित होती है, ध्वनि सबसे तेज जो चलती है ठोस माध्यम में, ठोस इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके बाद द्रव में और गैस में। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकते, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया जो होता है, वृष्टि छाया का अर्थ होता है जहाँ कम बारिश हो, तो यहाँ पर ऑप्शन से देखिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के कारण से कम वर्षा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो ये जो मूल अधिकार को निलंबित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के समय। अगला है, संस्कृति शब्द का विशेषण है, संस्कृति शब्द का विशेषण है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना, द पुलिसमैन कैचेस थीव्स यानी पुलिसमैन जो है चोर को पकड़ा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर क्या होगा? तो जूल यानी कार्य का मात्रक होता है, और कार्य बराबर जो होता है एफ एस होता है, एफ हो गया यहाँ पर बल का मात्रक, एस हो गया विस्थापन, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, एक न्यूटन मीटर, ये बट्टा वाला नहीं होगा जो भी यहाँ पर दिया हुआ ये सब नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। और जूल जो है कार्य का होता है, और कार्य डब्ल्यू बराबर जो होता है एफ एस, बल गुना विस्थापन। अगला, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? सीरीज का आपको बताना है, यहाँ पर देखिएगा पैटर्न में यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर 2, 3, 5 हो गया, और यहाँ पर जो जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है, यहाँ पर 7 जोड़ा गया है, यानी 3, 5, 7, 9 लगातार रूप से 11 यहाँ पर जोड़ा गया, अब यहाँ पर कितना जुटेगा? 13 जुटेगा, और जोड़ना है 37 में +13, तो 37 में 13 जोड़िएगा, तो 37 + 47 = 50 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 50, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, तो विफलता का जो विपरीतार्थक शब्द है सफलता है, सफलता इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा के जो जिम्मेदार है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जिम्मेदार है, सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, इसका जो कारण था प्रथम का ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, और द्वितीय का जो कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। आगे एक और क्वेश्चन है कि पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो जर्मनी ने, और जर्मनी का पता ही आपको हिटलर, तो उसी संबंधित क्वेश्चन एक और है, सही आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अगला है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से
सी इसका सही आंसर हो जाएगा और डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अगला है गैलीलियो ने किस क्षेत्र में किस यंत्र की खोज की। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का खोज किया गया है और दूरबीन का इंग्लिश नाम है टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में पामलो, यह नहीं होगा। पामलो जो है मणिपुर में झूम कृषि को कहा जाता है, इससे पहले भी बिहार में यह क्वेश्चन पूछा गया, पामलो से रिलेटेड पूछा गया था, इस बार यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड पूछ दिया गया, कुरुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को जो कहा जाता है कुरुआ कहा जाता है और पामलो मणिपुर में झूम कृषि को कहा जाता है। झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, यानी एक जगह से फिर दूसरे जगह कृषि किया जाता है, जहाँ पर एक बार कृषि की जाती है वहां पर नहीं, दूसरे जगह फिर से जंगल को काट करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन इसका जो हो जाएगा माय मदर कॉल्ड यू टुडे, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, तो सिंपल सही था, माय मदर कॉल्ड यू टुडे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आ रही है रवि की सवारी कविता के बादलों की एकरूपता किससे की गई है, यह जो कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कविता में इस तरह का प्रयोग हुआ है, बादल अनुचार के रूप में पीछे पीछे चल रही है, ये कविता का जो लाइन में प्रयोग हुआ वहाँ का अर्थ यह हुआ बादल अनुचार के रूप में पीछे पीछे चल रही है, तो अनुचरों से यहाँ पर तुलना की जा रही है, अनुचर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित होता है, यह जो विकसित होता है बीज में, बीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, इससे पहले क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे, नाजी सेना के प्रमुख थे और द्वितीय विश्व युद्ध जो चला है 1939 से लेकर 45 तक, ये भी पूछा जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जवाब एग्जाम दीजिएगा, तो और प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 18, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है विद्वान का विलोम है, विद्वान का जो विलोम होता है यहाँ पर अगर आप विद को सिलेक्ट किए हैं तो गलत है, विद का अर्थ होता है समझदार, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं साक्षर ही हो गया विद्वान ही, लेकिन इसका सही आंसर होगा मूर्ख होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा, बाकी इस ज्ञानी का यहाँ पर तो समझदारी हो गया, जिसके पास नॉलेज है, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, ये तो होगा नहीं, मूर्ख होगा, विलोम पूछा गया यानी ठीक उल्टा। अगला करंट अफेयर से रिलेटेड है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, और जनवरी 2021 के अनुसार यह जो पंजीकृत की है यानी टेस्ला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, एलन मस्क का नाम सुने होंगे आप, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और उसी का यह कंपनी है, तो बेंगलुरु में रजिस्टर्ड किया है, बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया और हूबहू यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट किया गया, पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का संकेत होता है यू, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, यूरेनियम 235 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक वर्ष पश्चात, तो 6 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं, 6 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला है परसा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तो ये जो किया गया था वर्षा में, वर्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको डाउट ना रहे। यहाँ पर है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में बीसी और बराबर है पीक्यू तथा कोण सी और कोण क्यू बराबर है, दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध सर्वांग सम है, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी हो गया इस तरह से, ये एबीसी त्रिभुज हो गया और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज जो हो गया पी क्यू आर हो गया, और दोनों त्रिभुज जो है भुजा कोण भुजा से समांग सम, भुजा कोण भुजा का अर्थ ये हुआ कि दो भुजा इसमें बराबर है और कोण एक बराबर है, और ये पी क्यू आर इस तरह से हो गया।
अब यहाँ पर पहला कंडीशन है BC बराबर है PQ, तो BC ये और PQ ये दोनों बराबर हो गए, एक लाइन यहाँ पर खींच दिए। दूसरा यहाँ पर कंडीशन है कोण C और कोण Q बराबर है। अब आपको बताना ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा यहाँ पर भुजा आपस में बराबर होंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस कोण के सामने का भुजा ले लीजिए, इस कोण के सामने का भुजा ये है और यहाँ पर इस कोण के सामने का भुजा कौन सा है ये है, तो यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में जो दिया हुआ AB बराबर PR है। एक बार और इसको समझ लीजिए, यार पुलिस कांस्टेबल की आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर कहा गया था भुजा कोण भुजा स्वयं सीधा यानी बराबर है आपस में, तो यहाँ पर जो दिया गया था पहले कंडीशन एक कोण और इसका एक कोण बराबर था, दूसरा यहाँ पर ABC और PQ आपस में बराबर था, तीसरा यहाँ पर भुजा ही एक बराबर होगा आपस में। तो भुजा कैसे हम डिसाइड करेंगे, इस कोण के सामने का भुजा ले लिए इसमें, अब इस कोण के सामने का भुजा इसमें ले लिए, तो AB बराबर हो गया PR, इस तरह से बना लिए कोण के सामने का भुजा लेकर के, तो यह जो हो गया समान सम, तो AB बराबर यहाँ पर PR हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आप सभी को पता होगा कार्य में ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको वाट दिखे तो बिल्कुल भी ऊर्जा का यह मात्रक नहीं होगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में भी वाट है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या किया गया, घंटा यानी समय का भी प्रयोग किया गया है, तो इस कारण से यह जो हो जाएगा कार्य ऊर्जा के मात्रक में आ जाएगा, लेकिन किलो वाट मेगावाट वाट ये सब शक्ति का मात्रक हो जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पूछा गया था नहीं है तो किलो वाट नहीं है, और किलो वाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं किलो वाट घंटा में मापने के लिए, एक किलो वाट घंटा इस तरह से। और न्यूटन मीटर भी पहले एक और क्वेश्चन था, कार्ज से रिलेटेड था, एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर, तो कार्ज का ऐसा मात्रक यहाँ पर हो गया न्यूटन मीटर, कार्य ऊर्जा का सेमी होता है और जूल भी कार्ज का होता है, तो कार्य ऊर्जा का सेमी होता है, इसलिए यहाँ पर किलोवाट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है अवेक, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, इसे हटा दिया गया है, तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत है, कानूनी अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार या आर्थिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है, और इसमें पूछा गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जनसंख्या में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। अगला है 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणधीन है, यानी बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। अगला है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, देखिएगा तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर इस टॉपिक से दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, अब इसमें पूछ दिया गया अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो उसमें डिस्कशन आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट का जब आंसर किए थे उसमें बताए भी थे, इसका जो आंसर हो जाएगा टेंडन हो जाएगा, खंडरा यहाँ पर हिंदी नाम हो गया और टेंडन इसका इंग्लिश नाम होता है। टेंडन का जो काम होता है अस्थि को मांसपेशी यानी मसल से कनेक्ट करना और बोन यानी हड्डी को हड्डी से जो कनेक्ट करता है लिगामेंट कनेक्ट करता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, लिगामेंट से संबंधित भी हड्डी को हड्डी से जोड़ना काम जो होता है लिगामेंट का, और यहाँ पर जो हो जाएगा अस्थि से यानी हड्डी से मांसपेशी को जोड़ना काम होता है टेंडन का, यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय आय का यहाँ पर ये नहीं होगा एक पारिवारिक आय शारीरिक सरकारी है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रोडक्शन से संबंधित उत्पादन के साधनों से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इंग्लिश से संबंधित है, व्हाट डिड मिस्टर ग्रेसलर डाई ऑफ, तो यहाँ पर मृत्यु का जो कारण है स्लो स्टार्वेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महेश ने 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1,92,000 रुपया। अगला है रबर फसल है, तो रबर जो फसल है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की और भारत में यह केरल राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आहार नल मूल रूप से विकसित एक लंबी नली है, तो यह जो शुरू होता है आहार नल मुंह से लेकर के गुदा तक, तो सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन मुंह से गुदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होते जो उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य सागर में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक
यहाँ पर दर्पण का नाम आपको बताना है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। अब आपको डॉट होगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब बराबर होता है, छोटा नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही होता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विदेशी निवेश कहलाता है। मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड इसका सही आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। अगला क्वेश्चन है प्रथम टीका विकसित किया गया। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था प्रथम एंटीबायोटिक का नाम तो पेंसिलिन था और प्रथम टीका विकसित किया गया चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया। एडवर्ड जेनर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होगा, उपाध्यक्ष राइट आंसर होगा। अगला 26 नवंबर जाना जाता है। तो आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था यानी अपनाया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। अगला यहाँ पर है इस क्वेश्चन को लेकर भी डॉट होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित 17 बार और पट 23 बार। सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या होगा। अब आप लोगों को डॉट ये होगा कि क्या ये वाला आंसर होगा या 40 वाला होगा। तो यहाँ पर जो प्रायिकता को जो मनाते हैं, प्रायिकता का जो सूत्र होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। अब कुल परिणाम में देखिएगा तो 40 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम यहाँ पर बट्टा में रखते हैं और संभव परिणाम तो यहाँ पर पूछा क्या गया चित आने की प्रायिकता, लेकिन इसमें कहा गया है चित 17 बार आता है। तो संभव परिणाम 17 हो गया और कुल परिणाम 40, तो 17/40 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 17/23 या 23/17 ये सब हम नहीं रखेंगे, 17/40 हो गया इसका सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। इससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। सुंदरी वृक्ष यहीं पर पाया जाता है सुंदरबन में और सुंदरबन जो है एक प्रकार का मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों को पृथ्वी के शुक्र रक्षा करती है। तो ओजोन यहाँ पर जो है सुरक्षा जो करती है पराबैंगनी विकिरण को रोक देती है सूर्य से आने वाली, जिसे पृथ्वी पर ना पाए। अगला है मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। तो सरकार की ओर से मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार का गारंटी है, जिसके पास भी मनरेगा का कार्ड है 100 दिन यहाँ पर सरकार की ओर से कम उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए इंग्लिश से संबंधित है, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हियर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द गर्ल, गर्ल से संबंधित यह कहानी है। एक और क्वेश्चन है किस समूह में बादल के पर्यावरण। यह क्वेश्चन जो फॉरेस्ट गार्ड में सेम पूछा गया था वही हो रिपीट किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा वारिद निरत पर्यावरण, यह जो है बादल का पर्यावरणीय शब्द है। देखिएगा प्रीवियस ईयर से कितना सारा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। सर्वप्रथम लिखित संविधान जो लागू हुआ था अमेरिका में और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। भारत इसका सही आंसर नहीं होगा, भारत पहले ही अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ है और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है भारत का। अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है। सीएनजी में कौन सी गैस होती है तो मैथेन, मैथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथेन का जो सूत्र होता है CH4। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानी जाती है और तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा, इसमें द्वितीय शहर पूछ दिया गया था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है मुंबई है और मुंबई की टोटल जनसंख्या कितनी है ये चीज आप देख लीजिए। मुंबई की टोटल जनसंख्या जो है 1,84,00,000 हो गया। इसके बाद दिल्ली की जो टोटल जनसंख्या है 1,63,00,000 और तीसरे नंबर पर आ जाता है कोलकाता। तो कोलकाता की जो टोटल जनसंख्या 1,41,00,000। अब इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय जो शहर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। प्रथम स्थान पर मुंबई है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में जो था पूछा गया था यहाँ पर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया से संबंधित, तो आप लोग कई बार सेट में ये क्वेश्चन बताए भी है कि वाटरमैन जल पुरुष जो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है और भारत का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है जादव पायेंगे है। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में वाटरमैन। जब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें आप लोगों को बताए भी थे कि भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है और यहाँ पर पूछा भी गया है। अगला, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो हॉलमार्क का जो प्रयोग किया जाता है ज्वेलरी के लिए, ज्वेलरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है हुआ है, अधातु नॉन मेटल से संबंधित पूछा गया, तो अधातु में होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा और धातु में होता है पारा, पारा का संकेत होता है HG, पारा या मरकरी दोनों एक ही नाम है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह धातु, धातु अगर पूछा जाता है पारा आंसर देना है, अगर अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन आंसर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित है, थिनर देन ए क्रेसेंट, तो इस कहानी में यहाँ पर यह जो कहानी है थिनर देन ए क्रेसेंट यह विद्यापति द्वारा लिखित कहानी है और इस कहानी में जो है राधा एवं कृष्ण के बारे में वर्णन है। इसमें जो तुलना किया गया दामून चंद्रमा से, चंद्रमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तेंदु, डी ऑप्शन में तेंदु दिया हुआ, तेंदु की पत्तियां का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, सर्वाधिक वर्षा जो होता है मेघालय के मासिनराम में, तो मासिनराम इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले चेरापुंजी में होता था, अब मासिनराम हो गया और चेरापुंजी मासिनराम दोनों जो है मेघालय में ही है, दोनों बगल में है, एक ही किलोमीटर का दूरी का डिस्टेंस है दोनों में। अगला, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती हुआ है, तो आप सभी को पता होगा एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है और लोगों को सप्लाई भी की जाती है, तो एफसीआई इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो कशेरुक दंड द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत माता, तो भारत माता ग्रामवासिनी कविता के जो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, ऐसे पहली अंकित मूल्य से संबंधित क्वेश्चन था, 4200 दिया हुआ था और उसमें से छूट था, जहाँ पर एक अंकित मूल्य 80 रुपये है, यदि वह 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या है, तो वस्तु के यहाँ पर अंकित मूल्य जो डिसाइड किया गया 80 रुपया और बेची कितने में जा रही है 72 रुपये में, इसमें से घटा दीजिए छूट कितना मिल रहा है, टोटल 8 रुपये का, और आपको यहाँ पर डॉट किया हुआ कि 72 रखना है नीचे में 80 रखना है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य जो डिसाइड किया गया 80, तो 80 से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो 8/80 गुने 100 हो गया, 10% इसका आंसर आ गया, 100 से गुना किया प्रतिशत निकालने के लिए, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10%। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है, यह जो है यामा में और यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चक्रवृद्धि व्यास से रिलेटेड है, दो क्वेश्चन चक्रवृद्धि व्यास से संबंधित पूछा गया, क्वेश्चन है रुपये 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, इसको बनाने के लिए 2 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए और 2 साल का साधारण ब्याज निकाल दीजिए, दोनों को घटा दीजिएगा 10 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, तो 10 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन है खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, तो यहाँ पर ज्वार और बाजरा का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी तो लोग ही खाते हैं, गन्ना का चीनी बनाने में प्रयोग किया जाता है, आलू हो गया, गेहूँ, ये सब लोगों से संबंधित है, ज्वार बाजरा मेनली पशुओं के लिए खेती की जाती है। अगला है माली, माली में समास है, जहाँ भी हाइफन इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद्व समास होता है, जैसे दाल भात, तो दाल भात में इस तरह से योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो माली और मालिन में समास जो है द्वंद्व है, द्वंद्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है उबलता हुआ पानी, पानी को अगर आप उबाल दीजिएगा फिर कुछ देर छोड़ दीजिएगा नॉर्मल हो जाएगा, हीट से नॉर्मल पानी हो जाएगा, उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, अब अगर इसमें आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप आसानी से बना लेते भारत का महान न्यायवादी,
इसमें भी यही आंसर होगा, यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया, लीगल का अर्थ ही होता है यहाँ पर भारत, लीगल का अर्थ होता है विधि यानी कानून हो गया, तो भारत का महान्यायवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के मध्य चलाई गई, तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई है मुंबई से ठाणे के बीच में और 34 किलोमीटर चली थी, डिस्टेंस भी पूछ दिया जाता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन और ज्यादातर इसमें बेसिक ही पूछा गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्वेश्चन है पद्मश्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है, यह जो है लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध है, बिहार से ही संबंधित है, पद्मश्री दिया गया, बिहार के सारण जिला के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, जलालगढ़ किला जो स्थित है बिहार के पूर्णिया जिला में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, तो नोट जो जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी आरबीआई संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सामाजिक न्याय क्या दर्शाता, तो ऑप्शन अगर आप पढ़िएगा तो आसानी से आप इसे बना लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय यानी बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह राज्ययुग में जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाया जाती है, कंटीले वन जो पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे आप कैक्टस ही देखिएगा नागफनी तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो राजस्थान में मरुस्थल है, और बिहार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, झारखंड पश्चिम बंगाल ये नहीं होगा, सही आंसर जो हो जाएगा गुजरात और राजस्थान, गुजरात राजस्थान सटा हुआ राज्य है, और मरुस्थल की बात करें तो गुजरात में भी कुछ क्षेत्र मरुस्थल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राजस्थान। तो इस तरह से आपको सोच कर भी आप बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को अगर नहीं भी पता है तो भी। अगला है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, तो सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, मोहम्मद इकबाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, रोजगार की जो सुरक्षा मिलती है संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में कोई यहाँ पर गारंटी नहीं रहता है, आप दो दिन जाइए काम कीजिए पैसा मिलेगा, यानी जो दिहाड़ी डेली टाइप का जो काम होता है ये कहलाता है असंगठित क्षेत्र, और संगठित क्षेत्र जहाँ पर आप लोगों को जैसे कोई भी सरकारी जॉब या फिर किसी आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें ये सब संगठित क्षेत्र हो जाता है, असंगठित क्षेत्र यानी आप डेली बेसिस पर जहाँ काम करते थे इसमें कोई भी रोजगार की सुरक्षा नहीं रहती है, लेकिन अब सरकार यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है असंगठित क्षेत्र के लिए भी, ज्यादातर लोग जो काम करता है असंगठित क्षेत्र में ही, तो संगठित क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है जिप्सम से, जिप्सम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारी नींद कविता के कवि है, तो हमारी नींद कविता के जो कवि है वीरेंद्र डंगवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप सभी को पता होगा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, इसमें सही आंसर जो हो जाएगा बॉयल्स हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और अब बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है उसमें भी आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे और सेम यही पैटर्न रहेगा 10th लेवल का ही, और आप लोगों को कटअप एक वीडियो अलग से बना कर देंगे दोनों शिफ्ट का कैसे।